करुणानिधि नहीं रहे। सियासत के अजय योद्धा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। दक्षिण भारत की राजनीति अचानक सूनी और सन्नाटे सी नजर आने लगी। कई हफ्तों से चेन्नई के कावेरी अस्पताल में जिंदगी से जंग लड़ रहे करुणानिधि ने आखिरकार 7 अगस्त को शाम 6:10 पर अपना शरीर छोड़ दिया और पीछे छोड़ गए तो बस उनकी यादें। यूरिनरी इन्फेक्शन से जूझ रहे करुणानिधि को कई बार अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई उतार चढ़ाव के बाद हिम्मत वाले करुणानिधि ने अपनी जिंदगी की डोर छोड़ दी। उनकी मौत की खबर सुनते ही तमिलनाडु में जैसे भूचाल आ गया। सियासत की महागाथा में जब भी महारथियों का जिक्र होगा, करुणानिधि का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। बेमिसाल रही है उनकी राजनीतिक यात्रा। मील के कई पत्थर करुणानिधि के नाम दर्ज हैं और रहेंगे। 60 साल की राजनीतिक करियर में करुणानिधि कभी चुनाव नहीं हारे। पहली बार 1957 में चुनाव लड़े और 13 बार विधायक रहे। इतना ही नहीं, करुणानिधि के नाम 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है। ये वो कामयाबी है जिससे किसी भी राजनेता को खुद पर गुमान हो सकता है। एक छोटे से और पिछड़े गांव में पैदा हुए करुणानिधि ने अपना करियर फिल्मों में स्क्रिप्ट लिखने से शुरू किया, जिसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और वो कदम आगे ही बढ़ते चले गए। हिंदी विरोध से करुणानिधि ने राजनीति छलांग मारी। पहले वो छात्र आंदोलन में आए, फिर मुख्य धारा की राजनीति से जुड़े और फिर डीएमके की राजनीति में जमते चले गए। गठबंधन की राजनीति में भी करुणानिधि की भूमिका हमेशा अहम रही। अब सवाल ये है कि करुणानिधि के जाने के बाद उनकी सियासत का क्या होगा और कौन उनकी जगह लेगा। न्यूज टाइम्स इंडिया करुणानिधि को श्रद्धांजलि देता है और राजनीति में उनके दिए गए योगदान को सलाम भी करता है।